नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप लोग। तो जैसे कि मैं पिछले दिन आपको कह रहा था, मीडियाटेक और क्वालकॉम दोनों कंपनी प्रोसेसर लॉन्च के मामले में एकदम कमाल का कर रहा है। मीडियाटेक हर महीने एक या दो प्रोसेसर लॉन्च कर रहा है, क्वालकॉम भी हर महीने एक या दो प्रोसेसर लॉन्च कर रहा है। तो आज मीडियाटेक ने लॉन्च किया है अपना डायमेंसिटी सीरीज के अंदर फोर्थ प्रोसेसर, जिसका नाम है डायमेंसिटी 1000C। तो इस वीडियो में देखेंगे कि ये जो डायमेंसिटी 1000C, इसके अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। अगर हम इस डायमेंसिटी 1000C को 1000, 1000 प्लस और 1000L के साथ कंपेयर करें तो इसका स्टैंडर्ड कहां पर आता है, मतलब कह सकते कि ये प्रोसेसर के मामले में एक मेगा कंपैरिजन होने वाला है। तो इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बनाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए था वो ढूंढने में मुझे बहुत घंटे का वक्त लगा। इसलिए वीडियो को लाइक करके सपोर्ट जरूर दिखाना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कंपैरिजन। तो दोस्तों ये चारों प्रोसेसर का हम कंपैरिजन शुरू करेंगे इसका रिलीज डेट को लेके। Dimensity 1000 लॉन्च हुआ था 26 नवंबर 2019 को, Dimensity 1000 प्लस लॉन्च हुआ था 7 मई 2020 पे, Dimensity 1000L लॉन्च हुआ था 1 जून और Dimensity 1000C आज ही लॉन्च हो चुका है। अगर सभी के कोर काउंट की बात करें तो सभी के सभी प्रोसेसर 64 बिट्स ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। अगर सभी के सीपीयू आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो Dimensity 1000 सीरीज के सभी के सभी प्रोसेसर एग्जैक्टली सेम 7 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बनाए। अगर इसके हाई परफॉर्मेंस कोर की बारे में बात करें तो यहाँ पर इस पहले चार्ट में मैंने हाई परफॉर्मेंस और सेकेंड चार्ट में मैंने लो परफॉर्मेंस को इकट्ठा किया है। तो आप देख सकते हैं कि चारों के चारों जो Dimensity 1000 सीरीज का प्रोसेसर, उसका जो हाई परफॉर्मेंस कोर, उसमें यूज किया गया है 4 हाई परफॉर्मेंस कोर्टेक्स A77 कोर। लेकिन अगर स्पीड की बात करें तो 1000 प्लस में 2.66, 1000 में हमें मिलता है 2.6 गीगाहर्ट्ज, 1000L पे हमें मिलता है 2.2 गीगाहर्ट्ज और 1000C में हमें मिलता है 2 गीगाहर्ट्ज। अगर हम लो परफॉर्मेंस कोर की बात करें तो इसमें सभी के सभी प्रोसेसर में 4 कोर्टेक्स A55 कोर यूज किया गया है। लेकिन अगर हम स्पीड की बात करें तो इस जगह पे चारों के चारों प्रोसेसर एग्जैक्टली सेम है, जो कि 2.0 गीगाहर्ट्ज। अगर सभी के रैम सपोर्ट की बारे में बात करें तो यहाँ पर चारों ही प्रोसेसर में क्वाड चैनल LPDDR4X रैम का सपोर्ट है। और अगर हम इसके स्पीड की बात करें तो सभी के सभी रैम में एग्जैक्टली सेम 1866 मेगाहर्ट्ज रैम का सपोर्ट है। अगर इसके मेमोरी सपोर्ट की बात करें तो सभी के सभी प्रोसेसर में UFS 2.2 तक का सपोर्ट है। लेकिन सैडली कोई भी प्रोसेसर में UFS 3.0 या फिर 3.1 तक का सपोर्ट नहीं है। अगर हम कैमरा सपोर्ट की बारे में बात करें तो यहाँ पर जो पहले के तीन प्रोसेसर, उसका सिंगल कैमरा में मैक्सिमम 80 मेगापिक्सल और डुअल कैमरा में 32 और 16 मेगापिक्सल का सपोर्ट है। लेकिन Dimensity 1000C में 64 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा और 32 और 16 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा का सपोर्ट है। अगर हम वीडियो कैप्चर की बात करें तो यहाँ पर सभी के सभी Dimensity 1000 सीरीज का प्रोसेसर 4K वीडियो 30fps पे, फुल HD वीडियो 60 या फिर 120fps पे और 240fps पे 720p स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। और अगर डिस्प्ले सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर सभी के सभी Dimensity 1000 सीरीज का प्रोसेसर फुल HD प्लस तक का डिस्प्ले का सपोर्ट है। और अगर डिस्प्ले रिफ्रेश रेट की बात करें तो आप देख सकते हैं सिर्फ Dimensity 1000 प्लस में हमें 144Hz का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलता है, लेकिन बाकी सभी प्रोसेसर में 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलता है। और अगर नेटवर्क सपोर्ट की बात करें, वैसे Dimensity सीरीज के सभी प्रोसेसर में 5G चिप इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर जो Dimensity 1000 प्लस, 1000 और 1000L तीनों पे जो डाउनलोड स्पीड वो है 4.7 GBPS और जो अपलोड स्पीड वो है 2.3 GBPS। लेकिन Dimensity 1000C में डाउनलोड स्पीड है 2.3 GBPS और अपलोड स्पीड है 1.2 GBPS। और अगर इसके बाकी के कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो Dimensity 1000 प्लस, 1000 और 1000L ये तीनों पे हमें Wi-Fi 6 का सपोर्ट मिलता है, लेकिन Dimensity 1000C में हमें सिर्फ Wi-Fi 5 का सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा सभी के सभी प्रोसेसर में हमें ब्लूटूथ 5.1 तक का सपोर्ट मिलता है। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज कहना चाहूंगा, किसी भी प्रोसेसर में नेविक का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। अगर हम ग्राफिक्स कार्ड के बारे में बात करें, वैसे देखिए ये वाला चार्ट थोड़ा सा गलत हो सकता है, क्योंकि कुछ वेबसाइट में ऐसा लिखा है कि ये जो Dimensity 1000L इसमें दरअसल यूज किया गया है माली G77MC7। इसीलिए मैं पहले कह दूं, हो सकता है कि ये वाला चार्ट थोड़ा सा गलत है। लेकिन Dimensity 1000 प्लस, 1000 और 1000L तीनों पे माली G77 सीरीज का ग्राफिक्स कार्ड है। लेकिन जो Dimensity 1000C उसमें यूज किया गया है माली G57 सीरीज का ग्राफिक्स कार्ड, जो कि दरअसल एक 5 कोर ग्राफिक्स कार्ड है। और अगर मैं बाकी तीन प्रोसेसर की बात करूं तो वो दरअसल 9 कोर ग्राफिक्स कार्ड है। अब हम देखते हैं चारों का अनटूटू स्कोर। Dimensity 1000 प्लस का अनटूटू स्कोर है 514,000 के आसपास,
डायमंड सिटी 1000 का अनटूट स्कोर है 5,11,000 के आसपास, डायमंड सिटी 1000 एल का अनटूट स्कोर है 4,00,000 के आसपास, और डायमंड सिटी 1000 सी का जो अनटूट स्कोर वो होगा 3,50,000 के थोड़ा सा ऊपर। अगर हम गिग में स्कोर की बात करें, वैसे मैं यहाँ पर गिग बेंच वर्जन 5 की बात कर रहा हूँ, तो डायमंड सिटी 1000 प्लस सिंगल कोर में स्कोर करता है 3745, मल्टी कोर में स्कोर करता है 12,500 के आसपास। डायमंड सिटी 1000 सिंगल कोर में स्कोर करता है 3811 और मल्टी कोर में 13,000 के आसपास। डायमंड सिटी 1000L सिंगल कोर में स्कोर करता है 1500 के आसपास और मल्टी कोर में स्कोर करता है 5500 के आसपास। और कहा जा रहा है कि डायमंड सिटी 1000C का सिंगल कोर स्कोर है 1360 और मल्टी कोर स्कोर है 5200 के आसपास। और अगर हम AI चिप की बात करें, तो यहाँ पर डायमंड सिटी 1000 सीरीज के सभी प्रोसेसर में APU 3.0 AI चिप को इस्तेमाल किया गया है। तो आप बढ़िए इस वीडियो के कंक्लूजन की, आपने पूरे वीडियो में देख लिया, ये जो नया वाला डायमंड सिटी 1000C वाला प्रोसेसर लॉन्च हुआ है, इसका प्राइस मतलब ये वाला प्रोसेसर वही सारे स्मार्टफोन में आएगा जिसका प्राइस इंडिया में होगा 20,000 के नीचे, क्योंकि आप देख सकते हैं ग्राफिक्स कार्ड, नेटवर्क और बाकी कुछ छोटे मोटे मामले में इसका परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट डायमंड सिटी 800 या फिर 820 के बराबर है। वैसे यहाँ पर मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, ये प्रोसेसर लॉन्च करने का मीडियाटेक का कोई जरूरत ही नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी डायमंड सिटी सीरीज के अंदर 3 बहुत ही बेहतरीन प्रोसेसर अवेलेबल है। तो इसीलिए कुछ दिन पहले मैं जो चीज कह रहा था वो फिर से प्रूफ होता है। मॉडर्न टाइम में मीडियाटेक और क्वालकॉम कस्टमर को उल्लू बना रहा है, हर हफ्ते अपना कोई ना कोई प्रोसेसर लॉन्च कर रहा है, जिसे कि कंज्यूमर कंफ्यूजन में रहे और ब्रांड यहाँ पर कंज्यूमर को उल्लू बना सके। मतलब सोचो स्नैपड्रैगन 720G जो कि बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है, पिछले साल लॉन्च हुआ था, उसके बाद स्नैपड्रैगन 730G, उसके बाद रिसेंटली स्नैपड्रैगन 732G लॉन्च हुआ है। लेकिन अगर मैं तीनों प्रोसेसर के CPU स्पीड, CPU आर्किटेक्चर, ग्राफिक्स कार्ड के स्पीड, मतलब ये सभी चीज को अगर कंपेयर करूँ तो तीनों प्रोसेसर ऑलमोस्ट सेम, लेकिन ब्रांड वाले क्या करेगा, ब्रांड दिखाएगा कि देखो हम एकदम लेटेस्ट जनरेशन प्रोसेसर यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम आपसे ज्यादा पैसे चार्ज करेंगे, लेकिन तीनों का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम, बस अनटूट स्कोर में हो सकता है कि 5,000 से 10,000 का डिफरेंस, वरना कोई भी डिफरेंस इस तीनों प्रोसेसर के अंदर नहीं है। यही चीज मैं कहना चाहता हूं, जैसे प्रोसेसर कंपनी वाले नए CPU मार्केट में लॉन्च करेगा, ब्रांड के लिए और भी आसान हो जाएगा कस्टमर को उल्लू बनाने के लिए ये नया CPU के नाम से। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, हीलियो G70, हीलियो G80, हीलियो G85 तीनों का अनटूट स्कोर ऑलमोस्ट सेम है। हीलियो G90T और G95 दोनों प्रोसेसर ऑलमोस्ट सेम है। तो आप समझ चुके होंगे मॉडर्न टाइम में प्रोसेसर कंपनी कंज्यूमर को सेम तरीके से उल्लू बना रहा है। इसीलिए जब भी आप कोई स्मार्टफोन खरीदेंगे तो देखिए कि उसका प्रोसेसर क्या है, क्या वो पिछले वाले से सच में अपग्रेडेड है या फिर नहीं। तो आज का वीडियो इतना, उम्मीद है आज का एक कंपैरिजन आपको पसंद आएगा। फ्यूचर में अगर वैसे CPU कंपैरिजन देखना चाहते तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।